अभी आपने देखा कि हिंदी सिनेमा की एक अदाकारा जेएनयू आई थी, कुछ नहीं बोली, नारा नहीं लगाई, मोदी जी का नाम नहीं लिया, मोटा भाई का भी नाम नहीं लिया, उनका बेटा जय शाह की भी चर्चा नहीं हुई, बीसीसीआई का सेक्रेटरी वो क्यों बन गया इस पे भी वो सवाल नहीं पूछी, कुछ नहीं बोली। वो आई, घायल विद्यार्थियों से मिल करके चुपचाप चली गई, ये कहना शुरू किया कि हम इनका फिल्म नहीं देखेंगे। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई वो किसी का नाम ही नहीं ली, किसी पार्टी का नाम नहीं ली, किसी विचारधारा का नाम नहीं ली, किसी के खिलाफ नारा नहीं लगाया, तो फिल्म क्यों नहीं देखेंगे? मतलब ये मानते हैं जो सरकार के समर्थक हैं उन्होंने ही जेएनयू में हिंसा की। फिर हमारे काबिल वाइस चांसलर अचानक से मीडिया के सामने अवतरित हुए। 70 दिन से आंदोलन चल रहा था, वो कहां थे? हो सकता है अच्छे दिन के साथ सो रहे हों। उनका एड्रेस नहीं मिल रहा था। फिर वो आए और मीडिया को कहा कि जो ग्रेट पर्सनैलिटीज घायलों से आके मिल रहे हैं उनको उनसे भी मिलना चाहिए जिनकी पढ़ाई लिखाई बाधित है। इसको कहते हैं कि अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अपना कार नहीं खरीद कर पा रहे हैं, तो पड़ोसी जब कार खरीद के लाया है तो कह रहे हैं कि इसका रंग अच्छा नहीं है। कोई उसको याद दिलाइए कि साहब ये आपका काम है, कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं हो रही है, तो ये आप जाकर के विद्यार्थियों से बात करेंगे, आप जाकर के अपने शिक्षकों से बात करेंगे, आप अपने कर्मचारियों से जाकर के बात करेंगे। दीपिका पादुकोण जेएनयू की वाइस चांसलर नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि आपके घर में कोई घायल हो जाए और जो हेड ऑफ फैमिली है, परिवार का मुखिया है, वो उससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वाइस चांसलर बोले हैं कि कोई भी आके हमसे मिल सकता है, हमारा दरवाजा खुला रहता है। ऐसा तो अमित शाह भी बोले हैं कि रात को 3 बजे भी मेरे घर में आ सकते हो। बोलिए, ये निमंत्रण है कि धमकी, क्या है ये? वाइस चांसलर कह रहे हैं कि कोई भी आके हमसे मिल सकता है। आपके परिवार का मुखिया अगर कहे कोई एक्सीडेंट घर में हो गया हो, कि टूटा हुआ टांग लेकर के कोई भी आकर के हमसे मिल सकता है, ये कितनी अजीब बात है, इसके बारे में सोचिए।